मैं अस्पताल गया, चिकित्सक मेरा इलाज करने वहां पर आए, जांच में वहां पर आए। डॉक्टर सूफी और डॉक्टर सुलेखा उनके साथ कुछ और चिकित्सक वहां पर थे मेरा इलाज करने के लिए। अब मुझे स्कैनिंग रूम में उन लोग लेकर गए और फिर मुझे स्कैन करने लगे और जो बात उन्होंने स्कैन के बाद देखा वह ताज्जुब करने लगे। वो विश्वास नहीं कर पाए कि वो क्या देख रहे हैं। मेरी माँ से आकर पूछे कि इन्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा इसके दिल में अब कोई भी छेद नहीं रहा, वह बिल्कुल ठीक है, वह बिल्कुल ठीक है। तो उसी दिल से मैंने परमेश्वर के सामने निर्णय को लिया, जब तक मैं इस दुनिया में जीऊंगा और जिस परमेश्वर मुझे नया जीवन दिया है मैं उसके लिए जीऊंगा। और आज आपके सामने बड़ी गवाही के साथ मैं खड़ा हूं और आप ये देखते जीवन में बड़ी समस्याओं से मुश्किलों से होकर जा रहे हैं। यदि आपके शहर में ऐसी कोई बीमारी डॉक्टर्स ने वो कहा कि ठीक नहीं होगा और आप उसके प्रति बड़े निराश हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर चिकित्सकों का चिकित्सक है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, आमेन। दूसरा अध्याय उसकी 22 की आयत। जिससे तुम में भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। और एक ऐसा संदेश मैं देने जा रहा हूं जिसके तीन विभाग हैं। और पहली बात जो ऐतिहासिक प्रमाणों के बारे में कहना चाहूंगा जिसकी वजह से पौलुस विवश हुआ कि इन बातों को इस पत्री में वो जोड़े। और दूसरा जो भाग है उसमें बताऊंगा कैसे प्रेरित पौलुस बाइबली इतिहास को मद्देनजर रखते हुए दूसरे भाग में बातों को लिखा। संदेश के तीसरे भाग में कहना चाहूंगा कि आखिर पौलुस किन बातों को चाहता है कि इफिसी के विश्वासी समझे और अपने जीवन में उसे कैसे वो विनियोग करें। और गत संदेश में भी आपको याद होगा मैंने इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से प्रचार किया था। और वहां पर वह बताता है दूसरे अध्याय में कैसे मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या क्या नतीजे, क्या क्या उसके परिणाम मिलते हैं। कहता है कि हम तो पहले मरे हुए थे लेकिन मसीह यीशु में हम नए बनाए गए और जीवंत हो गए हैं। फिर पेट पोस्ट कहता है ये तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सामर्थ्य में शक्ति की वजह से नहीं पर तू परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से। और फिर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में मैंने गत हफ्ते पर प्रचार किया था। और फिर मैंने आपसे कहा कैसे परमेश्वर का अनुग्रह जब प्रकट किया जाता है मानव जाति उद्धार पाती है। और पौलुस कहता है यह हमारी योग्यताओं की वजह से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। और फिर मैंने चार दार्शनिक तथ्यों को बताया जिसकी वजह से प्रेरित पौलुस ने इस बात को उनके सामने रखा। और फिर से एक बार प्रेरित पौलुस इस पत्र में इस बात को कहता है कि जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान में एक किए जाने के लिए बनाए जाते हो। तो इस परिच्छेद में भी ऐतिहासिक तथ्य पाए जाते हैं। अगर जाते हैं इफिसस का जो नगर है वो बहुत ही ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध है। और एक बात के लिए इफिसियों का जो नगर है बहुत ही गौरवान्वित था। और एशिया के सात उस महत्वपूर्ण स्थानों में से एक इफिसियों को माना गया था।
था जो अर्तिमस का मंदिर पाया जाता था और इसे कोई 50 दिनों में या फिर 100 वर्षों में इसका निर्माण नहीं किया गया। तो इस मंदिर का निर्माण करने के लिए लगभग मानो 300 वर्ष लग गए। ये बहुत ही विशाल काय मंदिर था और वहां पर बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों को जड़ा गया था और बहुत ही ऊंचा एक मंदिर और उस मंदिर के अंदर अर्तिमस की देवी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। एफिसस इस अर्तिमस के इस बड़े मंदिर की वजह से बहुत माना हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मसीह जो एफिसस के हैं अब एफिसस की कलीसिया में जाते हैं। अब ये अर्तिमस के इस विशाल भीमकाय मंदिर को देखते हैं। अरे वाह क्या ही अद्भुत मंदिर है और एक बहुमूल्य पत्थरों को उसमें जड़ा गया है और ये बहुत ही भीमकाय मंदिर है और यहाँ पर अर्तिमस की बड़ी खूबसूरत और विशालकाय प्रतिमा रखी गई है और फिर उसे देख करके अब वो विश्वासी कलीसिया में और फिर जब इस मंदिर को देखकर वो कलीसिया में आते हैं उन्हें खालीपन सा लगता है। उन्हें लगता है कि अर्तिमस की मंदिर में इतनी बड़ी प्रतिमा हमारी कलीसिया में कोई प्रतिमा नहीं है। हमारे पास परमेश्वर की महिमा करने के लिए कोई बड़ा मंदिर नहीं है और हमारी कलीसिया में तो बड़े बड़े बहुमूल्य पत्थरों को नहीं चढ़ा गया है और यही इस पद का ऐतिहासिक भार है। और प्रेरित पौलुस कलीसिया की विश्वास को यह बात समझाना चाहता है हमारी कलीसिया में बड़े महंगे पत्थर तो नहीं लगे हैं, हमारे मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां तो नहीं है, हमारे जीवन में दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है, लेकिन एक बात जो आपके पास है परमेश्वर ने आपको मंदिर के रूप में चुना है जिसमें सारा सामर्थ्य परमेश्वर निवास करता है और यही इस परिच्छेद का ऐतिहासिक तथ्य है। हमें सबको समझ में आ रहा है ये बात। हालेलुया। मुझे लगता है कुछ बच्चे मुझ पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं और उनके चेहरे को देखकर मानो यो लग रहा है कि मैंने उनका कुछ बिगाड़ दिया है और वो बहुत गुस्सा है मुझसे। हर एक परिस्थितियों में बच्चों आप खुश रहें, भले मैं संदेश से आपको उबासी आ रही है लेकिन चिंता मत करें, परमेश्वर में आनंदित रहें। परवाह नहीं पड़ता किस परिस्थिति से आप होकर जा रहे हैं, आप हमेशा आनंदित रहें। और एक बार एक छोटे से मच्छर के बच्चे का जन्म हुआ। अब इस छोटे से मच्छर के बच्चे को पैदा होते हुए देखकर उसके माता पिता बहुत आनंदित हो गए। अब वहां पर मच्छर का अब एक ऐसा दिन आया कि उसकी जिंदगी का वो पहला उड़ान भरने वाला है। अब उसके माता पिता बहुत खुश है कि हमारा बेटा उड़ने वाला है। इससे पहले कि वो छोटा मच्छर उड़ना शुरू करे उसके माता पिता ने उससे कहा बहुत ही सतर्कता बरतना क्योंकि जो मानव जाति है वो बहुत ही दुष्ट लोग हैं, क्योंकि जैसे वो तुम्हारे गीत गाने के ध्वनि को सुनेंगे तुम्हें चाटे मारेंगे। और जैसे ये छोटा बालक मच्छर उड़ना शुरू करता है और बहुत उड़कर बहुत लंबे समय के बाद ये छोटा मच्छर अपने घर वापस आता है, अब वो बहुत ही खुश है। अब माता पिता ने पूछा तुम इतना खुश क्यों हो? अब ये छोटे मच्छर ने कहा और उन्होंने कहा उसने कहा कि आप लोगों ने मुझसे कहा कि ये मनुष्य लोग अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, उन्होंने मेरे गीत को पसंद किया। अब पालकों ने उससे पूछा अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब इस छोटे मच्छर ने उनसे कहा जब उनके पास जाकर गीतों को गाता हूँ और उन्हें पसंद आता है वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं और फिर वहां माता पिता अचंभे में पड़ जाते हैं क्योंकि छोटा मच्छर बहुत ही ज्यादा खुश है। बड़े ही बहुत मजाकिया एक कहानी है लेकिन इसका बहुत गहरा संदेश है। किस परिस्थिति से आप होकर जा रहे हैं परवाह ना करें,
आंसुओं से आप धोकर जा रहे हैं, आपके आंखों में आंसू हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित रहे हैं, क्योंकि भले हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ है, हम परमेश्वर के मंदिर है, सारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। आप निर्गमन की पुस्तक में जब जाएंगे उसके 25वें अध्याय में और उसके 8वें आयत में, और ये मेरे संदेश का दूसरा भाग है। Book of Exodus, chapter 25, verse 8. निर्गमन 25 उसका 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। होने पाए कि मेरे लिए वो पवित्र निवास स्थान का निर्माण करे ताकि मैं उनके मध्य में निवास करूं। और देखिए यहाँ पर मरुभूमि से होकर के परमेश्वर के चुने हुए लोग जाते हैं। यह केवल मनुष्य का आवाज उनके पास नहीं आ रहा, लेकिन यह आवाज स्वर्ग से उनके पास आती है। सर्वसामर्थी परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। हे मूसा, मेरे लिए पवित्र निवास स्थान तू बना कि मैं उनके मध्य में निवास करने पाऊं। और उनके दिल में हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर भव्य इमारत उसे बनाया जाता है। और यह एक ऐसा परिच्छेद है जहां परमेश्वर के लिए पवित्र भवन को बनाने के लिए कहा जाता है। और यह एक ऐसा परिच्छेद है जिसमें परमेश्वर के दिली तमन्ना को रखा गया है। मूसा, मेरे लिए पवित्र निवास स्थान को बना। आज वहां पर कहता है, और मैं एक ऐसा परमेश्वर के बारे में आपसे बता रहा हूँ। यह एक ऐसे परमेश्वर की कहानी है, एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों के मध्य में रहना पसंद करता है, ऐसा परमेश्वर अपने लोगों से संगति करना पसंद करता है, एक ऐसा परमेश्वर जो अपनी सृष्टि के मध्य में रहना पसंद करता है। और वो अपनी सृष्टि से इतना ज्यादा आकर्षित था, अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें अधम की वाटिका में रखा। उसका उद्देश्य क्या था, उसकी इच्छा क्या थी? केवल एक ही बात, उनके साथ रहना, उनके साथ संगति करना। ये बहुत ही सुंदर दिन है। एक घर एक दिन परमेश्वर उनके पास आता है, उनके साथ चलता फिरता है, वो साथ में उनके साथ जाता है। उनके जिंदगी का एक बहुत ही खुशनुमा दिन। जो कुछ होता है आप देख सकते हैं, शैतान की वह चाल वहां पर चल जाती है, और वो शैतान के बहकावे में आकर पाप कर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। सर्वधर्म सर्व सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर उस मनुष्य के साथ जो पाप में पड़ा है निवास नहीं कर सकता। देखता है, अब वो कह रहा है कि अपने लोगों की ओर देखकर कि परमेश्वर की निगाहों में यह बातें ठीक नहीं है। और फिर वहां पर जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़े फ्लड को एक बाढ़ के द्वारा उसने विनाश कराया, लेकिन उसके बाद भी आप देखें परमेश्वर दिल में यह इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के मध्य में निवास करूंगा। और फिर नूह उसके परिवार को परमेश्वर बचा लेता है। फिर हम बाइबल को आगे पढ़ते हैं। अब देखिए परमेश्वर अब्राहम के पास आता है, और फिर उसके बाद इज़राइल का अस्तित्व आता है। फिर आप देखते हैं मिस्र के देश में बंधुआई में वो चले जाते हैं। अब फिर से परमेश्वर ने मूसा को चुना कि उन्हें मिस्र की उस भूमि से बाहर निकाले। अब देखिए मूसा मरुभूमि से होकर इज़राइलियों को लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर वो समय आ गया है कि अब तुम्हें इनकी अगुवाई करना है, और ये वही सही समय है कि अपने दिली तमन्ना को अपने लोगों के सामने मैं रख दूं। फिर वो मूसा से कहते हैं, मूसा, मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान को तू बना, मेरे लिए पवित्र निवास स्थान को बना। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए कि क्या एक पवित्र परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए गए मंदिर में निवास कर सकता है?
तो काम पुस्तक सातवां अध्याय उसके 48वें आयत में यूं लिखा है, वहां यूं लिखा है कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए स्थान में निवास नहीं करता। और फिर उस परिच्छेद को मैंने पढ़ा, आखिर कैसे परमेश्वर मनुष्य के बीच में निवास कर सकता है, आखिर कैसे परमेश्वर कैसे मंदिर में निवास करता है जो मनुष्य ने बनाया है। फिर पहले राजा की 26वें अध्याय में, और वहां पर देखिए सुलेमान परमेश्वर के मंदिर का समर्पण करता है, और वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर हम जानते हैं कि तू महान परमेश्वर है और तू सर्व सामर्थी परमेश्वर है और तू इतना बड़ा है कि स्वर्ग तेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आखिर कैसे तू इतना बड़ा परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए गए स्थान में निवास कर सकता है? क्या यह ऐसा नहीं कि परमेश्वर अपने पूरे अस्तित्व में आकर उनके मध्य निवास करे और वो अपनी महिमा अपने अनुग्रह के साथ रहता है? यह उसकी महिमा उसके अनुग्रह के बारे में है। अब मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। और वहां पर यूं लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे पुराना नियम एक अपने आप में परछाई है और नया नियम उस परछाई का पूर्वीकरण है। जब हम नए नियम में आते हैं, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं और आप देखिए पूरे कुरिन्थियों के लोग कलीसिया के अंदर बुरे कामों को कर रहे थे। भले ही वो लोग मसीही थे लेकिन मसीहों सा उनका जीवन नहीं था। 3:16 में आप देखेंगे पौलुस एक बात कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर के निवास स्थान हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। क्या तुम्हें यही पता तुम परमेश्वर के जीवन मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें निवास करती है? फिर हम नए नियम में देखते हैं ये बातों को, और इसमें फिर से पत्र पे पौलुस चाहता है कि फिर से विश्वास इस बात को समझ जाए, क्या तुम्हारे पास बड़ा बड़े मंदिर नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम अपने आप में परमेश्वर के मंदिर हो, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है। हमारे पास बड़ी प्रतिमा नहीं है, हमारे पास बहुमूल्य पत्थर नहीं है, और हमें यहाँ पर अर्तिमस के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है। हमें हालेलुया। और इफिसियों के लोगों पर पौलुस ये बात समझाना चाहता है, और संदेश का दूसरा भाग समाप्त होता है। अब संदेश के 3 भाग में हम आते हैं। अब बाइबल से एक कहानी आपके मध्य में रखना चाहूंगा, और ये कहानी बहुत ही सुपरिचित है, हम में से हर एक लोग इस कहानी को जानते हैं। यह लूक की इंजिल में पाया जाता है, उसके 5वें अध्याय में, लूक 5 उसके 3 आयत से हम पढ़ेंगे। लूक 5 उसका 3। उन नावों में से हर एक पर जो शमौन पत्रस की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जिन बातों का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इस आयत का उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन कुछ तो मैं इसमें आज से आपको बताना चाहूंगा। इस परिच्छेद में थोड़ा ध्यान दें, आप देखिए गन्नासरत के उस झील के किनारे यीशु खड़ा है। अब यहाँ पर देखिए क्या एक बहुत बड़ी बात प्रकाशन मसीह यीशु लोगों को दे रहा है। अब देखिए गन्नासरत के इस झील के किनारे मसीह यीशु चल रहा है। अब ये गन्नासरत में क्यों आया वो? अब गन्नासरत की यदि आप बात करें, यहाँ बहुत ही सुंदर वाटिका है। इसे सुंदर वाटिका क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया माइनर में गन्नासरत एक बहुत ही खूबसूरत नगर था, एक बहुत ही सुंदर झील वहां से बह रही है, और फिर वहां पर एक ठंडी ठंडी पूर्वई चल रही है, और वहां पर पक्षी सुंदर गीतों को पेड़ पर बैठकर गा रहे हैं,
और वहां पर एक अच्छे लोग वहां पर उसका आनंद ले रहे हैं। गनासरत बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब मेरा स्वामी वहां आता है जो एक बहुत ही सुंदर जगह है। यह गनारस की खूबी के बारे में नहीं, कुछ तो विशेष बात उसके बारे में है। गनासरत इतना खूबसूरत है और ये जगह बहुत ही आकर्षित है। दो ऐसी बातें वहां पर हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है। और यहाँ पर चेले पूरी रात परिश्रम किए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अपने दिल में एक बहुत ही अकेलेपन खालीपन का एहसास वो करते हैं। और बहुत से मसीहों का जीवन इस प्रकार से है, वो बड़े ही सुंदर बाहर से दिखाई देते हैं, अब वो सुंदर गीतों को गाते हैं और अपने हाथों से तालियां बजाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। लेकिन उनके मुस्कान के पीछे बहुत अकेलापन है। और गनासरत भी उसी समान है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए आनंद है। और प्रभु यीशु मसीह का दिल गनासरत की सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं है, लेकिन वहां पर उस झील में दो खाली दिलों की ओर देखता है। और फिर वहां पर वो चेलों को देखता है, वो उनसे देखा और एक बात को कहा, और मछुआरे वहां पर अपने जाल को धो रहे हैं। और एक जो सिमोन पतरस का था, और सिमोन से पत्नी यीशु ने कहा, और उसने कहा कि शमोन क्या तुम अपने नाव को किनारे पर लाओगे? और यीशु उस नाव पर चढ़ गए। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब यीशु नाव से बैठकर प्रचार कर रहा है, अब लोगों से बातें कर रहा है। अब मैं चाहूंगा आप में से हर एक लोग शिमोन के जीवन को देखें। अब ये तो समय था, पूरी रात तूने परिश्रम किया, अब पूरी रात तूने परिश्रम किया लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ा, उसका अब जीवन खाली हो गया। अपने जीवन में बड़ी समस्याओं मुश्किलों का सामना कर रहा है, अपने जीवन में बड़े दर्द का सामना कर रहा है, और अब यीशु उसके नाम में नहीं आया होता तो वह गनासरत के बारे में नहीं जानता। वो मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा। और फिर वहां पर ये जो यीशु, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा, वो केवल उस नाव में बैठा है और वो लोगों को शिक्षाएं दे रहा है। मैं वहां साइमन से एक प्रश्न पूछूंगा, हे शिमोन, पूरी रात तूने परिश्रम की, तुझे एक मछली भी नहीं मिली, पूरी रात तू मेहनत की, अब तेरा दिल उदास, तुझे कोई मछली नहीं मिली। अब यीशु तेरे नाव में आता है और अब वो तेरे लिए कुछ करने की अपेक्षा तो कर रहा है, वो तेरे लिए क्या कर रहा है? तू बहुत उदास है, वो देख, एक बात कहूंगा, नहीं मैं उदास नहीं हूं, मैं पूरी रात परिश्रम करता रहा, पूरी रात में मेहनत करता रहा, लेकिन एक बात मैं उदास नहीं, मैं आनंदित हूं। आप भले ही एक मछली मैंने नहीं पकड़ी, लेकिन एक बात मेरे पास है, और मेरे पास है यीशु, मेरे नाम में है यीशु, मेरे नाम में है। और इफिसियों के लोगों, एक बात तुमको जानना है, तुम्हारे पास बड़ी मूर्ति नहीं, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी बात है। पौलुस एक बात आपसे कहना चाहता है, और तुम्हारे जीवन में एक बात है, तुम्हारे जीवन में आज की रात में कुछ है, तुम्हारे पास बड़ा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, और बड़ी बड़ी कार तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बातें नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा नहीं, लेकिन एक बात तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने ऊपर लिए चलते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा हर एक अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हालेलुया, बहुत लोग अपने जीवन में खालीपन आपको लेकर चलते हैं, अपने दिलों में खालीपन का एहसास आप करते हैं, और सारी सुंदर बातों को आप देखते हैं आपके जीवन से जो है,
अपने जीवन में उस खालीपन का एहसास कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई आशा नहीं। अरे यहाँ पर खड़े होकर आपसे कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के जीवन तो